बिल्कुल आएंगे, स्वागत उनका करेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है निर्णय लेने का, और मैं देख रहा हूँ समाचार जो आ रही है उसका लग रहा है जल्द ही NDA में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। NDA में आएंगे तब मिलकर हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के सियासत में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ फिर से NDA में शामिल होने वाले हैं। अब इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुकेश सहनी हमारे गठबंधन में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई कहीं भी जाए, मुकेश सहनी अगर NDA में आते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर प्रेम कुमार का, सुनवाते हैं आपको। इस रेप के बाद हत्या कर दी गई है और पूरे इंडिया भर में डॉक्टर हड़ताल पे हैं पिछले दो दिनों। घटना काफ़ी दुखद है, और जिस तरह घटना घटी है रेप के बाद हत्या जा करके, वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार ने जब कार्रवाई नहीं की है तो माननीय न्यायालय के द्वारा CBI जज का आदेश दिया गया है, और काफ़ी दुखद है। बंगाल में कानून का राज नहीं है, वह फिर से एक बार लग रहा है जंगल राज कायम हो गया है जा करके, और भय डर का माहौल जा करके है, और दुर्घटनाएँ घट रही है इसके लिए ममता सरकार जिम्मेवार है। सर, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं डॉक्टर लोग, कल OPD वगैरह भी बंद रहे, काफ़ी हॉस्पिटल में IGMS PMCH में भी बंदी का रहा एक तरह से, कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए उन लोगों को, क्योंकि मामले बहुत बढ़ गए हैं डॉक्टरों को लेकर के। देखिए, डॉक्टरों की हम भूमिका समाज में है, और उनको निश्चित तौर पर हर तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में जा करके हैं, जिस तरह घटनाएँ आए दिन हो रही है तो सुरक्षा आवश्यक जा करके है, सरकार को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर के बराबर ट्वीट कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है कि बिहार में रिश्वतखोरी और अपराध जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वैसे कार्रवाई हो रही है, घटनाएं जहां भी घट रही है सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, और ऐसे गंभीर मामलों में SPD टाइल चला कर सजा दिलाने का काम किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी लगातार समीक्षा की जा रही है। घटना घटती आज की सरकार कार्रवाई कर रही है, जब बिहार में RAD की सरकार थी तो अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी, संरक्षण देने का काम कर रही थी, अब कार्रवाई नहीं करती थी। पर सर, जो भी घटनाएं घट रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि किस तरीके का सरकार चल रहा है बिहार में, अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, सुशासन भी फेल है और प्रशासन भी फेल है। प्रशासन में बिहार में भी है, प्रशासन भी जा करके, और सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है, प्रशासन सब समय कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव को अपने गिरवान बिठा कर देखना चाहिए, जब उनकी सरकार थी अपराधियों को बचाने का काम करते थे, संरक्षण देने का काम करते थे, एक अन्य मार्ग से इस तरह लोगों ने देखा है जा करके, पटना राजधानी में शाम को 6 बजे महिलाओं को निकलना मुश्किल हो गया था, पूरे बिहार में भय आतंक का माहौल था, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, अपहरण उद्योग बिहार में शुरू हो गया था, बिहार से पलायन हो रहा था, उनको स्वयं देखना चाहिए। आज की सरकार सब समय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सर, भागलपुर में एक मामला देखने को आया है, एक महिला पुलिस अफसर के घर से 5 लाशें मिली हैं, और उनके पति का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिला था। सुसाइड नोट में कहा यह जा रहा है कि महिला अफसर की किसी के साथ जो है वो ताल्लुकात थे, जिस वजह से मामला देखने को मिला। घटना काफ़ी दुखद है, इस मामले की वहाँ पुलिस प्रशासन जाँच कर रही है, जाँच के बाद क्या विषय है सामने आएगा जा करके, इस दिशा में वहाँ के पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और कह रहे हैं कि जो NDA सरकार कहीं ना कहीं काम ठीक से नहीं कर रही है, उनको 4 सीट आए हैं, उसको लेकर आभार प्रकट करने जा रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें NDA बिहार में 174 सीटों पर आगे जा करके, और जो मत आए हैं NDA को 48% मत आया जा करके, बिहार की जनता माननीय प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी है, नीतीश कुमार के साथ लोग खड़े जा करके हैं, कुछ भी कर लें आने वाले चुनाव में फिर से यहां पर NDA की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अगर सामने रहते हैं तो महागठबंधन का बेहतर परफॉर्मेंस होगा और हम लोगों का वोट ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव सम्पन्न हो जाकर, उसके जो परिणाम आए हैं वो दिख रहा है कि आज भी
एनडीए के पक्ष में मतलब का झुकाव जाकर के है, जनता विकास चाहती है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार का सोच है बिहार का विकास। बिहार का विकास रफ्तार तेज हुआ है और बिहार में कानून का राज है, जनता शांति और विकास चाहती है, उस हिसाब में हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए कहीं कुछ कर लें, वो यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, जनता की बात सुनने नहीं जा रही है। मुकेश साहनी को लेकर कहा जा रहा है कि वो एनडीए में आ सकते हैं, आप लोगों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से तिरंगा की बात कर रहे हैं, मुकेश साहनी भी अपना डीपी बदल लिया है, क्या मुकेश साहनी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, स्वागत उनका करेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है निर्णय लेने का और मैं देख रहा हूँ समाचार जो आ रही है उसका लग रहा है जल्द ही एनडीए में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। एनडीए में आएंगे तब मिलकर हम लोग काम करेंगे। अगर शिक्षक अभ्यर्थी पिछले दिनों सड़क पर उतरे थे और उन लोगों पर लाठी चली है, इसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और कह रहे हैं कि कैसी सरकार है, हम लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलती है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जब हम लोग थे तो नौकरी दे रहे थे और हम लोग हटे तो लाठी देने लगे लोग। नौकरी आज भी मिल रही, आगे भी मिलेगी, जितने रिक्त पद हैं बिहार में जा करके, किन हालात में लाठी चली है इसकी जाँच का विषय जा करके है और निश्चित तौर पर आम लोग को अधिकार की बातों को रखने का उसके लिए तय जगह तय गर्दनी बाग धरना स्थल वहाँ पर आए दिन विभिन्न संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर के अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, उनका डेलीगेशन मिलता है, उनके स्मारक पत्र लिए जाते हैं, सरकार विचार करती है कि कोई व्यक्ति यदि कानून को हाथ में लेकर के कुछ वहाँ से हटकर करते हैं जाकर के तो उस परिस्थिति में पुलिस की मजबूरी हो जाती है जाकर के है, तो जाँच का विषय है कि लाठी किन परिस्थितियों में चली है जाकर के और जो आइडेंटिफाई जगह है जहाँ पर मतलब धरना स्थल है प्रदर्शन का स्थल है यदि वहाँ पर घटी है घटना तो मैं मानता हूँ पुलिस का दोष है जाकर, लेकिन यदि वहाँ से हटकर किसी ने किया हो जाकर के जांच का विषय है, जांच में देखा जाएगा किसका दोष जाकर। अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रही है, इस पर भी सुनी जाएगी? निश्चित तौर पर जो सुनने लायक बात होगा उस पर सरकार विचार करेगी। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है।